सो गाइस, तो अगर आपको भी HDR फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग मेरे भाई लोग सबसे आसान तरीके में सीखना है मेरे भाई लोग, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे वाच, तो इस स्टेप से मेरे भाई लोग आप लोग भी HDR फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना मेरे भाई लोग आप लोग सबसे आसान तरीके में सीख दीजिएगा। बस आपको वीडियो को कम्प्लीट आप लोग एक बार वॉच कर लेंगे तो मेरे भाई लोग आप लोग ऐसे फेस को यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे फेस को आप लोग कुछ स्टेप से स्मूथ और व्हाइट कर लेंगे मेरे भाई लोग सबसे आसान तरीके में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं फोटो कितना फारूक सा एडिट हुआ है मेरे भाई लोग। तो इससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दे लाइक, वीडियो को सुनिए शेयर कर दे सिंपली स्टार्ट। तो अगर आपको भी इस टाइप से HDR फेस स्मूथ सीखना है फोटो एडिटिंग तो वीडियो को कंप्लीट बस आपको वॉच करना होगा। तो जैसे कि गाइस हम लोग यहां पे आते हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं कि एडिट फोटो कितना खतरनाक है और मेरे भाई लोग यहां पे है इसका नॉर्मल फोटो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस वाले फोटो को सिंपली आपको कर देना होगा शेयर। तो कहां पे शेयर करना है, सिंपली मेरे भाई लोग आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर इस वाले फोटो को लेकर आ जाना, जैसे कि आप लोग आइएगा। उसके बाद मेरे भाई लोग सिंपली नीचे आपको टूल्स पे क्लिक करना होगा, आपको यहाँ पे टूल इमेज पे क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। ब्राइटनेस को 52, ठीक है। सैचुरेशन पे गया, सैचुरेशन को मैं यहाँ से करूँगा 49, ठीक है। एम्बिएंस पे एम्बिएंस को भी हम लोग करेंगे 50, हाईलाइट पे हाईलाइट को पूरा कर लेंगे, माइनस शैडो पे शैडो को भी इस तरीके से 51 करेंगे, और इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से 32 प्लस कर लेता हूँ। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं मेरे भाई लोग, फोटो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा मेरे भाई लोग को। सीखना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सिंपली फोटो को डन कर लेना होगा, डन करने के बाद फिर से आपको मेरे भाई लोग टूल्स पे क्लिक कर दूंगा सबसे आसान तरीके में, देखिए आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा मेरे भाई लोग ब्लैक एंड व्हाइट पे, ठीक है। एंड आप लोगों को इसमें ना यहाँ पे मिलेगा एक डार्क का ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग ना इस डार्क को सेलेक्ट करके और फोटो को राइट कर लीजिएगा एंड डन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, बस आपको क्या करना होगा, सिंपली ऊपर तीर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और मेरे भाई लोग आप लोगों को व्यू एडिट पे क्लिक करना होगा बस एक बार, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करके ब्रश पे क्लिक कर लेना होगा और मेरे भाई लोग आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे कि क्लिक करने के बाद आपको जहाँ से भी ब्लैक पार्ट को इरेज करना होगा तो आप लोग आराम से इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करके आप लोग आराम से इसको हटा लीजिएगा, मतलब इरेज कर लीजिएगा। सो गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आपका भाई क्या केवल फेस व्हाइट है एंड सारा बैकग्राउंड एंड हेयर, मतलब एक चीज आप लोग ब्लैक कर लीजिएगा अगर आपको डार्क ब्लैक फोटो एडिटिंग मेरे भाई लोग सीखना है तो, ठीक है। इसके बाद आपको फोटो को सिंपली कर देना होगा डन, बस अब आपको 2 मिनट रुकना है, बस 2 मिनट रुकना है, ठीक है। बैक पे आइएगा, ठीक है। इसके बाद फोटो को सिंपली आप लोग मेरे भाई लोग कर लीजिएगा आप लोग सेव। जैसे कि मेरे भाई लोग आप लोग देख ही सकते हैं कि आपका भाई का फोटो जो है ना शेयर होने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे इस वाले फोटो को हम लोग लेकर, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आइएगा, ठीक है। सिंपली आपको थोड़ा सा काम क्या करना होगा, एडिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि आप लोग एडिट पे क्लिक करेंगे लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाइएगा, ठीक है। और आपको हाईलाइट को पूरा 100 करके माइनस, ठीक है, शैडो को करके पूरा 100 प्लस, व्हाइट्स को माइनस करके 35 और ब्लैक को भी आप लोग इस तरीके से माइनस कर लीजिएगा 41, ठीक है। और कंट्रास्ट को कर लीजिएगा इस तरीके से 100 प्लस, तो जिससे कि फोटो को देख ही सकते हैं और फोटो का लुक आप लोग देख ही सकते हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। एंड गाइस रियल एडिटिंग है, आप लोग समझिए अच्छे से, ठीक है। एंड मेरे भाई लोग कलर पे आइएगा और आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ से 10 करना होगा, 10 प्लस, ठीक है। इसके बाद मिक्स टूल पे क्लिक कर दूंगा, मिक्स टूल पे क्लिक कीजिएगा और आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करके और बस इसका सैचुरेशन को माइनस कर लीजिएगा, मान चलिए 85 और ल्यूमिनेंस को मैं करूँगा यहाँ से प्लस 72, ठीक है। तो जैसे कि मेरे भाई लोग देख ही सकते हैं कि फोटो कितना फारूसा व्हाइट हो चुका है, फेस मतलब व्हाइट हो चुका है, ठीक है। और मेरे भाई लोग आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करके और इसका मतलब सैचुरेशन को आप लोग इस तरीके से माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे भाई लोग थोड़ा सा रेड वाले ऑप्शन के ऊपर आना है और इसके बाद ह्यू को कर देना होगा माइनस, ठीक है। और थोड़ा सा सैचुरेशन को कर लेना होगा प्लस 11-12 अपने हिसाब से, ठीक है।
और फोटो को सिंपली कर देना होगा डन। बस आपको इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको थोड़ा सा इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करके और क्लैरिटी को करके प्लस यहाँ से 36 और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा प्लस 11, इसके नीचे वाले ऑप्शन को यहाँ से मैं कर लेता हूँ 8 प्लस, ठीक है। इस तरीके से तो देख ही सकते हैं बिफोर में और आफ्टर में फोटो को। अब बात रह गया है कि फेस को स्मूथ कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपको क्या कर लेना होगा, सिंपली फोटो को यहाँ से सेव कर लेना होगा। जैसे कि मैं अभी फोटो को कर लेता हूँ मेरे भाई लोग सेव। सो गाइस तो फोटो हो चुका है सेव एंड फोटो को हम लोग यहां से भेज लेंगे SK2 एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि हम लोग यहां पे सिंपली कर देंगे SK2 एप्लीकेशन पे क्लिक, ठीक है। जैसे कि मैं क्लिक कर दूंगा और मेरे भाई लोग क्लिक करने के बाद आपको ये वाला प्रॉब्लम मिलेगा कि जिस फोटो को आप पहले एडिट किए होंगे वही वाला फोटो शो करेगा। तो इसके लिए सिंपली आपको यहां पे क्लिक करना होगा। जैसे कि आप लोग यहां पे आइएगा, इम्पोर्ट फॉर फाइल पे क्लिक करना है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। इस पर क्लिक करके और इस पर आइएगा, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा जिस भी फोटो को आप सेव करेंगे। तो आप लोग ना इस वाले फोटो को ले लीजिएगा मेरे भाई लोग, जैसे कि मैं ले लिया हूँ फोटो को, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो एक काम मैं आपको बताता हूँ, लिप्स को रेड कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे फर्स्ट इस चीज़ को सिखा देता हूँ, ठीक है। तो लेयर पे मेरे भाई लोग आप लोग आ जाइएगा। इसके बाद ना आपको करना होगा प्लस पे मेरे भाई लोग क्लिक, जैसे कि क्लिक करेंगे यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, क्रिएटिव पे क्लिक कीजिएगा, नॉर्मल पे आइएगा और सॉफ्ट लाइट कर लीजिएगा मेरे भाई लोग, कट कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा एंड ऊपर ब्रश पे क्लिक करके और मेरे भाई लोग आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट, मतलब इस ब्रश को, और मेरे भाई लोग सेटिंग पे आपको आना होगा। देख लीजिए कितना आसान है एडिटिंग, और ऑफसिटी को 100 करके और साइज को अपने हिसाब से करके और कट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद आपको ऊपर कलर्स पे क्लिक करना होगा, जैसे कि कलर पे आएंगे और यहाँ से आप अपने लिप्स का जोन सा भी कलर रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से कट कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि फोटो को जूम करना है और इस तरीके से, मतलब आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए, कोई भी चीज़ फेक नहीं बताएगा आपका भाई, ठीक है। जैसे कि सब कुछ रियल बताएंगे, ठीक है, जैसे कि सब कुछ रियल आपको बताएंगे एंड आप लोग सब कुछ रियल सीखिएगा भी, ठीक है। और झट से हम लोग कर लेते हैं लिप्स को रेड, और देख लीजिए कितना एडिटिंग मेरे भाई लोग आसान है, लेकिन आप लोग बोलते हैं सुबह से बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मैं 2 से 3 मिनट के अंदर फोटो को एडिट कर लेता हूँ मेरे भाई लोग, ठीक है। जैसे कि लिप्स भी देख सकते हैं और फोटो अब कितना फारूसा लग रहा है दिखने में, आप लोग लाइव प्रूफ देख ही सकते हैं। बात आ गया अब फेस स्मूथ करने का, जैसे कि पिंपल दाना यहाँ पे है, लाइव प्रूफ आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना सारा पिंपल है। इसके लिए सिंपली आपको लेयर पे फर्स्ट में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और मेरे भाई लोग जैसे कि आप लोग फोटो वाले मॉडल पे इस वाले लेयर को लाइएगा, ठीक है, जब तभी आपका फेस स्मूथ होगा। मिस नहीं कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो पछताइएगा बाद में, ठीक है। और बोलिएगा कि फेक वीडियो, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको सिंपली ऊपर कर देना होगा ब्रश पे क्लिक, जिससे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आइएगा और आपको इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग आज न्यू ट्रिक में सीखिए फेस स्मूथ करना सबसे आसान तरीके में, ठीक है। और मेरे भाई लोग ब्रश पे आइएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे कर देना होगा क्लिक, जैसे कि इरेजर सेलेक्ट है तो यहाँ पे क्लिक करके और मैं इसको स्मॉज सेलेक्ट करूँगा। स्मॉज करने के बाद आपको ना इसका फॉलो को कर देना होगा 11, इसके बाद इसको स्ट्रेन को करना होगा 11, ठीक है। इस दोनों को सेम आपको कर लेना होगा, ठीक है। और इसके बाद साइज जो है ना अपने हिसाब से करके और कट कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि मेरे भाई लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह ना फेस हम लोगों का जो होता है ना वो स्मूथ अच्छे तरीके से नहीं होता है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो मेरे भाई लोग मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि देख लीजिए जो भी पिंपल और दाना है उसके ऊपर मैं जैसे ब्रश को अप्लाई कराऊँ वैसे वैसे हमारा फेस जो है ना स्मूथ हो रहा है, जैसे कि एक भी पिंपल और दाना आपको दिखने को नहीं मिल रहा होगा मेरे भाई लोग, ठीक है। तो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि सुबह सुबह फेस को स्मूथ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और शायद हम लोगों से होता नहीं है, लेकिन मेरे भाई लोग अगर आप लोग इस वाले वीडियो को देख लेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से ब्रश को आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका फेस गारंटी है कि स्मूथ हो रहा है। और यहाँ पे जो भी ब्लैक पार्ट है उसको मैं आराम से कर लेता हूँ व्हाइट, देख लीजिए आप लोग। अगर मान के चलिए ऐसा एडिटिंग आप लोग करते हैं तो सबसे आसान तरीके में फेस को स्मूथ करना आप लोग मेरे भाई लोग सीख जाइएगा। और मैं आशा करता हूँ मेरे भाई लोग कि आप लोग इस वाले वीडियो को समझ गए होंगे। मैं फिर से मिलता हूँ मेरे भाई लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेके इतना ही फुल वीडियो वॉचिंग के लिए थैंक यू सो मच। इसमें फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड बाय मेरे भाई लोग बवाल तरीके से।